अभिनेता आमिर खान और करीना कपूर खान के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोनों की आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। बता दें कि यह फिल्म अगले साल बैसाखी के अवसर पर 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे अदैतु चंदन ने निर्देशित किया है, जिसमें प्रीतम का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य के गीत हैं। फिल्म वाईकॉम 18 स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस खबर को करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के एक पोस्टर के साथ शेयर किया। फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए करीना कैप्शन में लिखती हैं, हमें अपना नया पोस्टर और हमारी नई रिलीज की तारीख साझा करते हुए खुशी हो रही है। पोस्टर में करीना आमिर खान के कंधे पर सिर टिकाए दिख रही हैं। दोनों के चेहरे पर स्माइल ये बयां कर रही है कि दोनों प्यार में हैं। पोस्टर पर लिखा है, लाल सिंह चड्ढा सिर्फ सिनेमा घर में, इस बैसाखी हैशटैग लाल सिंह चड्ढा ऑन बैसाखी। आपको बता दें कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा पहले क्रिसमस 2020 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में ये कहा गया कि नए साल पर वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी। ऐसे कई बार फिल्म की रिलीज डेट बदली गई है। हालांकि अब फिल्म की कंफर्म रिलीज डेट सामने आ गई है। भारत भर में 100 से अधिक स्थानों पर फिल्माई गई यह फिल्म एक प्रेम कहानी है। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान, किरण राव और वाईकॉम 18 स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में तेलुगु अभिनेता नागा चैतन्य भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। चैतन्य ने सोशल मीडिया साइट पर आमिर खान के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी। दोनों अभिनेताओं ने सेना के जवानों के रूप में कपड़े पहने थे। तस्वीर में फिल्म की सह निर्माता किरण राव और निर्देशक अदैत्व चंदन भी है। यह पहली बार नहीं है जब आमिर और करीना साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। दोनों इससे पहले 2009 में आई सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स में धमाल मचा चुके हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो आमिर और किरण राव ने जुलाई में एक बयान में अपने तलाक की घोषणा की थी। आमिर और किरण जो लगान के सेट पर आशुतोष गोवारिकर के सह निर्देशक थे, ने 2005 में शादी की और 2011 में सरोगेसी के माध्यम से उन्होंने अपने बेटे आजाद राव खान का स्वागत किया। फिलहाल तो फैंस अब आमिर और करीना की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।